नमस्कार साथियों, पानीपत फिल्म विवाद की पांचवी वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली चार वीडियो तो आप लोग देख ही चुके होंगे। ये वीडियो मैंने सिर्फ उन मराठा भाइयों के लिए बनाई है जो हमें गाली देते हैं कि उत्तर भारतीयों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, सूरजमल ने हमें धोखा दिया। साथियों, आपको ये बात तो पता होगी कि मराठा सेना 2 जून 1760 को ग्वालियर पहुंच चुकी थी और महाराज सूरजमल के साथ मराठों की संधि हुई थी कि अब्दाली के खिलाफ हम दोनों मिलके लड़ेंगे। बात यहाँ तक तो ठीक चल रही थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि ये संधि टूट गई? सूरजमल जी की जो रणनीतियाँ अब्दाली के खिलाफ महत्वपूर्ण हो सकती थी, वो रणनीतियाँ भाऊ को पसंद नहीं आई। तो भाऊ ने कहा कि क्या मैं दक्कन से सिर्फ आपके भरोसे आया हूँ? इसके लिए साथियों, आप एक किताब का पेज देख सकते हो जिसपे ये सभी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन महाराज सूरजमल फिर भी भाऊ के साथ थे। उस समय मराठा सेना को खाने पीने की भारी किल्लत झेलनी पड़ रही थी और खाने पीने की इस बात का जिक्र भाऊ ने अपने पत्र में भी किया था, जो उन्होंने पेशवा को सितंबर 1760 में लिखा था, जिसमें धन और खाने पीने की समस्या बताई गई थी। भाऊ लिखते हैं कि हमारे सैनिक उपवास करने को विवश हैं। हालांकि भरतपुर रियासत की तरफ से मराठा सेना को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही थी, इस धन की समस्या को दूर करने के लिए भाऊ ने लाल किले के दीवाने खास से सारी चांदी को उतरवा लिया ताकि उससे सिक्के ढलवाए जा सकें। जबकि सूरजमल जी बदले में 5 लाख रुपए देने को तैयार थे, लेकिन भाऊ नहीं माना और छत को तुड़वा दिया। इसी का फायदा उठाकर अब्दाली ने सभी मुस्लिम राजाओं को अपनी तरफ कर लिया। सूरजमल ने दिल्ली पे अपना अधिकार जताया, जबकि मराठे दिल्ली मुगलों को देना चाहते थे। ये सब ना होने से संधि टूट गई और वही हुआ जो होना था। पानीपत की लड़ाई मराठे घमंड में हार गए और बहुत से वीर इस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। इस हार के बाद मराठा सैनिकों के साथ हजारों औरतें और बच्चे भी थे जो एक तरह से असुरक्षित थे। फिर उनकी मदद किसने की? महाराज सूरजमल ने। यहाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूरजमल जी की पत्नी ने कहा था कि कोई भी घायल मराठा सैनिकों को लूटने की कोशिश ना करे और ना ही उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जाए। उनको मेरे ही बच्चे समझकर उनकी सेवा की जाए। घायल मराठा सैनिक, उनकी औरतें व बच्चे कुल मिला के 40,000 शरणार्थियों को सूरजमल जी ने अपने राज्य में शरण दी। मरमपट्टी करवाई, खाना दिया, भयंकर ठंड में सभी को सर्दी के कपड़े बांटे गए और उनको वापिस अपनी सेना के संरक्षण में उनके यथास्थान तक पहुंचाया गया ताकि रास्ते में कोई लूटपाट ना करे। इस बात का जिक्र नाना फडणवीस ने अपने लेटर में भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके मन को ये देख के बड़ी सांत्वना मिली कि सूरजमल ने हमारी सेवा की। इस सहायता में कुल मिला के 10 लाख का खर्चा आया। इसके अलावा सूरजमल जी की पत्नी दादी किशोरी ने सभी ब्राह्मण औरतों को दान दक्षिणा दी। ये बातें आप इस फोटो में भी देख सकते हो। अब 1761 में 10 लाख रुपए कितने होते होंगे ये तो आप किसी सीए से ही पूछिए। अगर महाराज सूरजमल को आप लोगों से इतनी चिढ़ होती तो कोई भी मराठा सैनिक वापिस महाराष्ट्र नहीं पहुंच पाता और सभी वहीं बंदी बना लिए जाते। हमारे इतना करने के बाद भी हमें मराठा भाइयों द्वारा गाली क्यों दी जाती है, ये समझ से परे है। अगर हम गलत होते तो आपकी औरतों को जो जाट ग्वालियर छोड़ने गए थे रास्ते में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम बलात्कारी नहीं हैं। बाद में उन जाटों का विवाह उन औरतों के परिवार वालों ने उन्हीं जाटों से कर दिया और वो सभी लोग वहीं बस गए। आज भी महाराष्ट्र में जाटों के तकरीबन 40 गांव हैं, जो इस बात का सबूत है कि जाट साथ नहीं छोड़ता, सांस छोड़ देता है। उस जमाने में 10 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी महाराज सूरजमल इनके भीतर की दुश्मनी, जलन और द्वेष को नहीं मार पाए। इसलिए एहसान करने से कोई दुश्मन उस्मन नहीं मरा करते। वीडियो के अंत में साथियों, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा। महाराज सूरजमल से मैंने सिर्फ एक बात सीखी है और वो ये कि इंसानियत के लिए करो एहसान, किसी उपेक्षा में कभी मत करना। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।